आप सभी दोस्तों का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 20 फरवरी 2021 दिन शनिवार। जानेंगे हिमाचल की आज की सभी बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। महिला शिक्षकों का जुनून, कोरोना काल में माइनस तापमान में बर्फ के बीच घर घर जाकर पढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी में कोरोना काल में 3 अध्यापिकाओं ने बेहतरीन सेवाएं दी हैं। इनमें से एक अध्यापिका को मंत्री रामलाल मारकंडा सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन 2 अध्यापिकाओं को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित नहीं किया। ऐसे में इन अध्यापिकाओं को पुरस्कृत करने की मांग उठने लगी है। लाहौल स्पीति जिला परिषद अध्यक्ष रमेश डुअलवा, लाहौल पंचायत प्रधान संघ अध्यक्ष सत प्रकाश, जिप सदस्य छिमेद लामो तथा पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत तांदे सुरेश कुमार ने अध्यापिकाओं को सम्मानित करने की पैरवी की है। 5 दिन खराब रहेगा मौसम, अंधड़ बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में 21 से 23 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अंधड़ और बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में 24 और 25 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 21 से 25 फरवरी तक बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 23 फरवरी को पूरे प्रदेश में अंधड़, बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अब 23 फरवरी को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक, कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी है। अब कैबिनेट की बैठक 23 फरवरी को सुबह 10 बजे राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट में शिक्षा, परिवहन व स्वास्थ्य संबंधी फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक में हिमाचल में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं 26 फरवरी से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता से मिले हिमाचल के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किन्नौर प्रवास के दौरान शुक्रवार को कल्पा के परिधि गृह में स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी से मुलाकात की। राज्यपाल ने नेगी का मतदाताओं को समय समय पर जागरूक करने और मजबूत लोकतंत्र के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने नेगी को सम्मानित किया और कहा कि आयु के इस पड़ाव में भी नेगी एक जागरूक नागरिक के तौर पर सक्रिय रहते हैं, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है। मोदी सरकार ने किसानों के बारे में सोचा, अनुराग। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों के बारे में सिर्फ मोदी सरकार नहीं सोचा है, कांग्रेस ने तो केवल किसानों को गुमराह किया है। किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि में 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। UPA सरकार से करीब 3 गुना ज्यादा राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड को 2 गुना किया। देश में 5 कृषि हब भी बनाए जाएंगे। किसानों को सस्ती दरों पर मिलेंगे फलदार पौधे, सिंचाई फेसिंग भी होगी। प्रदेश के गर्म इलाकों में कृषि बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग की ओर से क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें प्रदेश सरकार की HP शिवा योजना में 1,688 करोड़ से फलदार पौधे लगाए जाएंगे। किसानों और बागवानों को इसी बजट से सिंचाई और फेसिंग की सुविधा भी दी जाएगी। सस्ते दामों पर पौधे भी मुहैया करवाए जाएंगे। विभाग ने 7 जिलों के 27 खंडों में 347 क्लस्टर तैयार किए गए हैं। सेना भर्ती, महज 1100 ही पार कर सके मैदान की बाधा। हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मैदान में चल रही सेना भर्ती में पिछले 5 दिन में 11,500 युवाओं में से केवल 1,122 अभ्यर्थी ही ग्राउंड की बाधा को पार कर पाए हैं। सेना भर्ती के लिए पंजीकृत 14,000 में से 2,579 युवा अनुपस्थित भी रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मैदान में 14 फरवरी से सेना भर्ती शुरू हुई है। 5 दिन में हजारों युवा मैदानी बाधा पार नहीं कर सके हैं। 12वीं पास युवाओं के लिए भारतीय नौसेना में निकली भर्ती। अगर आप सेना के तीनों अंगों में से
किसी एक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना में 12वीं पास युवाओं से नाविक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नौसेना में ये पद स्पोर्ट्स कोटा के पदों को भरे जाने हैं। इसके लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों का किसी भी गेम में राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भाग लेना जरूरी है। आवेदन करने से पूर्व इंडियन नेवी की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर भर्ती संबंधी पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। भारत से सस्ता बिक रहा पड़ोसी देश में पेट्रोल, लोगों ने शुरू की तस्करी। देश में डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ राज्यों में तो पेट्रोल शतकवीर हो चुका है, यानी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंची है। भारत में पेट्रोल कीमतों की बढ़ोतरी का असर साफ तौर पर नेपाल सीमा पर भी देखा जा रहा है। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर पेट्रोल की तस्करी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नेपाल में भारत की तुलना में पेट्रोल करीब 22 रुपये सस्ता है। ऐसे में जिन राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है वहां पर पेट्रोल तस्करी के मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार राज्यों की पुलिस और SSB जवानों ने भी नेपाल से पेट्रोल तस्करी कर रहे कुछ लोगों को भी पकड़ा है। कुल्लू में 80 SSB जवानों को कोरोना की पहली खुराक मिली। दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए हजारों स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2336 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को जिले में पहले टीका लगाया गया है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में हर दिन सैकड़ों कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में लगभग 4000 फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया जाना है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं और अभियान को पूरा कर रहे हैं। शुक्रवार को क्षेत्रीय अस्पताल में लगभग 80 SSB कर्मियों को टीका लगाया गया। IPL नीलामी में हिमाचल के वैभव की लगी लॉटरी, KKR ने 20 लाख में खरीदा। IPL 14 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में हिमाचल प्रदेश के वैभव अरोड़ा की लॉटरी भी लगी है। इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। ऑलराउंडर वैभव का बेस प्राइस 20 लाख रुपए ही था। हिमाचल में जारी रहेगी JBT काउंसलिंग, परिणाम निकलने पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को JBT बैचर्स भर्ती मामले में लगाई रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि परिणाम को अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने प्रार्थियों को भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भेजा 450 करोड़ का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र को 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है, ताकि प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसके अलावा ज्वालामुखी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। यह बात शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार बहुत ही संतुलित बजट पेश करेगी, ताकि हर व्यक्ति को लाभ मिले।